हेलो गाइस। तो आज जो सप्लीमेंट के बारे में हम बात करेंगे वो है ओमेगा थ्रीज, ओमेगा थ्री बाय हेल्थवेट, जो मैं यूज़ ले रहा हूँ हेल्थवेट ओमेगा थ्री फिश ऑयल। इसका मैं जेन्युइन लिंक भी आपके साथ बायो में शेयर करूँगा, इफ़ आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो। सो हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि फ़िश ऑयल क्या है, ओमेगा थ्रीज लोग क्यों सजेस्ट करते हैं और जनरल हेल्थ के लिए भी सजेस्ट किया जाता है ये। इट्स नॉट जस्ट फॉर बॉडी बिल्डर्स, आई एम गोना टेल यू, ये जनरल फिटनेस सप्लीमेंट है। थ्रू आउट द ईयर मैं इसको लेता हूँ और आई रिकमेंड एवरीबडी टू यूज़ ओमेगा थ्रीज बिकॉज। और जहाँ तक बात है कि फ़िश की, तो काफ़ी लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियंस भी हैं लेकिन वो फ़िश नहीं खाते, दे ईट एग्स, दे ईट चिकन, बट हर रीजन में उतनी अच्छी फ़िश और नहीं मिल रही है। प्लस दे लैक इन द गुड फैट्स, जो वो खा रहे हैं वो गुड फैट्स में लैक करें। वो आप जैसे आप अच्छी चीज़ें खा सकते हैं, आपको ओमेगा थ्री मिलता है वॉलनट से, और जो क्वांटिटी है वो कम होती है। और हम उतने ज़्यादा अगर वॉलनट्स खाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा फैट भी मिल रहा है, जो कि हमारी बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं है। ऑल दो इट्स अ गुड फैट थ्रू ड्राई फ्रूट्स, बट ओवर ईटिंग ऑफ एनी थिंग इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर फिटनेस गोल्स। सो ओमेगा थ्री यहाँ काम करता है। सबसे पहला बेनिफिट, जो जनरल बेनिफिट है, इट्स जॉइंट सपोर्ट। जब आपने देखा होगा काफ़ी लोग एक्सरसाइज करते हैं तो जैसे आप शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं तो आपके जॉइंट्स के अंदर पेन हो रहा है, तो जॉइंट्स टक टक आवाज़ आ रही है, ल्यूब्रिकेशन ही खराब हो गया बॉडी का बहुत ज़्यादा। तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हो रहा होगा, इट्स ओके, बट ऐसा नहीं है, इट्स अ सीरियस इशू। आपके जॉइंट्स खराब हो जाएंगे अगर आप इसी तरीके से उनका ख्याल रखना बंद कर देंगे। एक मशीन में अगर उसकी ऑयलिंग या ग्रीसिंग नहीं की जाए तो जंग लग जाता है और वो काम करना बंद कर देती है, वैसा ही आपका शरीर है। सो दिस इज वॉट यू नीड, वरना एक उम्र आएगी जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको कहेगा कि ये खाएं तो आप कहेंगे हाँ भाई डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो नहीं, दिस इज अ स्टेरॉइड। क्योंकि लोगों को लगता है कि हर चीज़ ही स्टेरॉइड, जो हम टैबलेट खा रहे हैं तो टैबलेट होगी बॉडी, है तो टैबलेट खा के बॉडी बना रहे हैं। इट्स नॉट अ बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट ऑल टुगेदर, मैं आपको फिर बता देता हूँ, इट्स अ जनरल हेल्थ सप्लीमेंट। बट हाँ, हम लोग जो हैवी लिफ्ट करते हैं वी नीड अ लिटिल बिट एज, सो हमको एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। जनरल पीपल को भी है और हमें भी है, तो एक एज के बाद तो आपको डॉक्टर ही रिकमेंड करता ही है ये सब चीज़ें। इट कंटेन्स EPA एंड DHA, द गुड फैट्स दैट आर बॉडी नीड। एंड इसके अलावा जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है कार्डियक हेल्थ, आपके हार्ट को हेल्दी रखने में, आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उनको बैलेंस करने में, जो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उनका एक अच्छा बैलेंस बनाना। तो बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी को बेनिफिट है, जो हार्ट जो आपकी आर्टरीज हैं उनकी जो ब्लॉकिंग है, वो जो आपको पता है जो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होती है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल सेम लगता है, सो देर इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, देर इज अ हाई गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है कि वो आपके आर्टरीज के अंदर ब्लॉकिंग नहीं होने देता, सो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको गुड फैट्स इंटेक करने चाहिए, फैट्स को हटा देना अपनी डाइट से इज नॉट अ गुड ऑप्शन एट ऑल, बिकॉज गुड फैट्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑल्सो। एंड ऑल टुगेदर आपको पता है कि अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होंगे सो आपके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आएंगे। इट कंटेनिंग ऑफ बॉडी बिल्डिंग इन सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, इन सेंस ऑफ एनर्जी, आप कितने एनर्जेटिक हैं, आपका माइंड भी एनर्जेटिक फील करेगा जब आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी, और वाइस वर्सा आप कह सकते हैं। उसके अलावा जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि ये खाने की, जब हम एक हाई प्रोटीन मील ले रहे हैं उसके बाद जब मैं फिश ऑयल इंटेक कर रहा हूँ, सो ये इट्स नॉट समथिंग कि मैं खुद बोल रहा हूँ, बट इट इज़ प्रूवन कि इट हेल्प्स इन मेकिंग योर मील मोर एनाबॉलिक। मोर एनाबॉलिक मीन्स कि मोर आप वो जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में और ज़्यादा अच्छे से, जो आपका प्रोटीन है वो और बढ़िया सिंथेसिस हो रहा है और आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस फास्ट होगा, रैदर देन कैटाबॉलिक। क्या होता है आपको पता है, कैटाबॉलिज्म होता है टूटना, एनाबॉलिज्म होता है जुड़ना। तो जो एनाबॉलिक स्टेट है वो हाई रहेगा आपके बॉडी का वो मील के बाद, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब बहुत और भी बेनिफिट्स होते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको जो प्राइम थ्री थिंग्स थी मैंने आपको बताई है। सो आई एम टेलिंग यू कि ये सप्लीमेंट आप ज़रूर ऐड करें, एक टैबलेट लंच, एक टैबलेट डिनर, एंड वन टैबलेट यू कैन गो विथ योर इवनिंग मील, सो थ्री टैबलेट अ डे एंड दैट्स इट। मैं आपको जेन्युइन लिंक भी प्रोवाइड करा रहा हूँ बायो में, ट्राई दिस आउट, और आपको विद इन मंथ और टू आपको फील होने लग जाएगा कि आपके जॉइंट्स हेल्थ में बहुत फर्क पड़ रहा है। सो ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक दिस वीडियो, और आप किस किस और टॉपिक्स पे वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे और माई यूट्यूब चैनल। ये मेरा ही नहीं, आप लोगों का चैनल है, क्योंकि मैं जो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए है।
और मेक श्योर कि आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें akshat_xesthetics एंड टिल देन पीस।